हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ कोरिया की स्ट्रेटेजी कोविड-19 के आउटब्रेक को रोकने के लिए। जहां पूरा विश्व इस महामारी के साथ जूझ रहा है, तो उसमें एक छोटा सा देश इस महामारी से किस तरीके से उबर आता है या अपने अपने आउटब्रेक को स्टैंड स्टिल पे लेके आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि 100 केस आने के पहले 15 डेज के बाद ही साउथ कोरिया का जो इन्फेक्शन रेट था, न्यू केसेस का रेट था, वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ चुका है। बहुत नॉमिनल इसमें इंक्रीज हुआ है। वहीं आप अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, इटली को अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो उनके ग्राफ बहुत अलार्मिंग रेट से आगे बढ़ रहे हैं। तो इवन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इनके मुकाबले में बहुत बड़ी कंट्री और इकॉनमी है, उन्होंने भी पर्सनली रिक्वेस्ट करा है साउथ कोरिया को टू हेल्प विद द सप्लाइज। और ये सब कुछ संभव हुआ साउथ कोरिया में विदाउट किसी भी लॉकडाउन सिचुएशन के या किसी रिस्ट्रिक्शन के। कोई रोड ब्लॉक्स नहीं करे गए, ट्रैवल मूवमेंट को बैन नहीं करा गया। प्रिवेंटिव मेजर जरूर थे, बट इतना ज़्यादा जिस तरीके से बाकी कंट्रीज में देखा जा रहा है, इस तरीके का बैन नहीं हुआ। तो ये कैसे संभव हो सकता है एक कंट्री बिना लॉकडाउन करे इस आउटब्रेक से निकल जाए? तो ये होता है TTT फॉर्मूला के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इसी TTT फॉर्मूला के हम लोग बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला इंडिया में रेप्लिकेट कर रही है गवर्नमेंट, कर सकती है नहीं है, कौन कौन सी सरकारें इसको रेप्लिकेट करने के बारे में सोच रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का जो PDF रहेगा, स्टूडेंट्स लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका PDF हमारे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड, अगर आप तैयारी करना चाहते हो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो आप इस एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। बिफोर वी गो इन, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोविड-19 का जो मोर्टिलिटी रेट है वो बहुत लो है। साउथ कोरिया में तो बिल्कुल 1% से भी कम है। ओवरऑल ग्लोबली भी देखा जाए तो 4-5% तक का मोर्टिलिटी रेट है, विच इज़ कंपैरेटिवली लो टू अदर डिजीजेस। बट फिर भी ये बीमारी बहुत डेंजरस मानी जा रही है, सभी लोग इसको लेके बहुत चिंतित हैं। तो देखिए, इसके डेंजरस होने का सबसे बड़ा कारण है इसका स्प्रेड रेट। इट स्प्रेड्स लाइक अ बॉम्ब। इस वायरस का जो स्प्रेड रेट है वो बहुत हाईएस्ट है, जस्ट बिकॉज एक कारण ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा है। 5 से 14 दिन या 2 से 14 दिन के आसपास का इनका इंक्यूबेशन पीरियड है। इस पीरियड में बंदे को सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट वो आगे फैला सकता है। तो इन अ वीक, ये हमारे हेल्थ सिस्टम के रिस्पॉन्स में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का गैप बना देता है। इस गैप में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन आगे बढ़ सकता है। तो हमें अ हैंडफुल ऑफ केसेस लगता है देखने में कि बहुत कम केसेस हैं, बट आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा केसेस उसके आउटब्रेक में सामने आते हैं। और इस आउटब्रेक के ज़्यादा आउटब्रेक होने की वजह से यू फाइंड कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उनकी कैपेसिटीज कलैप्स कर जाती हैं। इस ग्राफ में आप इजीली देख सकते हो कि नंबर ऑफ केसेस, अगर एक पर्टिकुलर, अगर ये लाइन हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी को दिखाता है, एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेस आ जाएंगे तो ना तो हॉस्पिटल्स में बेड रहेंगे, ना ही क्रिटिकल केयर में वेंटिलेटर्स रहेंगे, ना ही हमारे पास उतने मेडिकल स्टाफ होगा उन केसेस को अटेंड करने के लिए। तो इटली जैसे हालात बन जाएंगे कि हमें सोचना पड़ेगा किस बंदे को हमें हॉस्पिटल में रखना है, किसको छोड़ देना है मरने के लिए। तो ऐसा ये एक कारण है इस बीमारी को लेकर लोग डर रहे हैं। तो हम TTT फॉर्मूला की बात करते हैं, किस तरीके से साउथ कोरिया ने इस मंत्र को यूज करके अपने आउटब्रेक को रोक लिया या लगभग स्टैंड स्टिल पे ले आए। इट इज ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट। कमॉन, ध्यान दीजिए, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, इन 3 मेथड्स को यूज करके, जिनमें से पहले 2 जो स्ट्रेटजीज हैं वो हमें एक्सटेंसिवली इन लोगों को हेल्प मिली वहां से। ट्रेस सबसे बड़ा इस बीमारी से बचने का तरीका है, इस बीमारी को मासस से रोकने का तरीका क्या है, कि हम लोग आने वाले इन्फेक्शन के केसेस को ट्रेस करें। ट्रेस कैसे करेंगे? अगर साउथ कोरिया की स्ट्रेटजीज की बात करी जाए, सबसे बड़ी बात, साउथ कोरिया में 2015 में ही एक आउटब्रेक हुआ था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का,
उस टाइम भी नॉर्थ साउथ कोरिया की सरकार ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया था, तो उनका एक्सपीरियंस अभी फ्रेश है, तो वो लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं इस तरीके के जो भी इंसिडेंट्स हो रहे थे, और केसेस को ट्रेस करना और भी आसान हो गया जस्ट बिकॉज कि वो लोग अर्ली अपने अपने सारे ट्रेवल मूवमेंट्स को ध्यान रख रहे थे, और पहला केस जहाँ से आया वो एक एक मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बना, एक एक चर्च का गैदरिंग था जहाँ से बहुत सारे लोग एक ही जगह से इन्फेक्ट हो गए। जो भी केसेस पॉजिटिव मिले हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हेल्थ वर्कर्स ने उनसे कंप्लीट डिटेल्स ली कि आप पिछले 14 डेज या उससे भी ज़्यादा समय में किन किन लोगों से मिले हैं, और उन लोगों को भी होम आइसोलेशन में रखा गया। अब ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, कितने किस तरीके से हम इतने लोगों को ट्रेस कर सकते हैं, तो साउथ कोरिया इंक्लूडिंग बहुत सारी और भी साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जीपीएस ट्रैकिंग, मैपिंग, डेटा मैपिंग को यूज़ करते हुए, सेलफोन टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए अपने सारे पॉसिबल केसेस को ट्रैक करा, उन तक अप्रोच करी, और लेटर ऑन उनको टेस्ट करके आइसोलेट कर दिया अगर वो पॉजिटिव निकले तो। जीपीएस ट्रैकिंग भी करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस जैसी टेक्नोलॉजीज लगाएगी थोड़े समय में बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करने के लिए। हाँ, एक बात यहाँ पे कंसर्न उठाते हैं लोग कि प्राइवेसी जो थी वो बहुत सारा डेटा सरकार ने प्रोसेस करा, उसको रिलीज करा जाता है, पब्लिकली यूज़ भी करा गया, तो एक एक काइंड ऑफ प्राइवेसी ब्रीच था। लेकिन जब हेल्थ की सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली हमें ये ट्रेड ऑफ तो लेने पड़ेगा, और यही एक एक नेगेटिव सेंस रहता है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन में यू विल फाइंड GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो जो रेगुलेशंस हैं वहाँ का, जो डेटा प्राइवेसी का लॉ है वो सरकार को अलाउ नहीं करता मास ट्रैकिंग करने के लिए लोगों की। तो यहाँ पे साउथ कोरिया का एक एज रहा है, यहाँ पे जो डेटा लॉ है वो इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों का डेटा मास ट्रैकिंग को अलाउ करता है। तो ये एक एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक यहाँ पे बना, बट स्टिल इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करा इस चीज़ ने। नेक्स्ट सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पे होता है, टेस्ट किट डेवलप कर ली जाती है। जैसे ही जनवरी में पहला केस आया तो कोरियन सरकार ने सारी बायोमेडिकल कंपनीज को अर्ज किया कि आप एक टेस्ट किट बनाइए जो बहुत जल्दी इस वायरस को डिटेक्ट कर पाए और हम आगे ट्रीटमेंट या आइसोलेशन फैसिलिटीज की तरफ मूव करें। तो विद इन विद इन दीज 17 डेज ऑफ फर्स्ट फ्यू केसेस, 17 दिन में एक टेस्टिंग किट बना ली जाती है जो एक सरप्राइजिंगली हाई स्पीड पे टेस्टिंग करती है कोरोना वायरस पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस को। और राइट नाउ दे हैव डेवलप द कैपेबिलिटी कि वो 20,000 टेस्ट डेली कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा। और ये जो टेस्ट किट्स हैं, आज साउथ कोरिया 1 लाख टेस्ट किट्स पर डे के हिसाब से इनको डेवलप कर रहा है। टोटल 650 से ज़्यादा विद इन अ फ्यू डेज 650+ टेस्टिंग सेंटर्स बना दिए गए, और 3 लाख लोगों की मास टेस्टिंग होगी उन एरियाज जहाँ पे इन्फेक्शन का क्लस्टर बना था। बकायदा साउथ कोरिया ने ड्राइव थ्रू और वॉक थ्रू टेस्टिंग सेंटर्स बनाए। आप इस इमेज में देख भी सकते हो कि लोग अपनी गाड़ी पे आते हैं, सैंपल देते हैं, चले जाते हैं, और अगले ही दिन उनको उनका रिजल्ट टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिल जाता है, और अगर वो पॉजिटिव निकले तो अथॉरिटीज़ को उसकी जीपीएस लोकेशन भी मिल जाती है, जिस वजह से उसको ट्रैक करके आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में रखा जा सकता है। तो इस हॉलिस्टिक अप्रोच ने बिना लॉकडाउन किए, बिना कर्फ्यू लगाए साउथ कोरिया को बहुत हेल्प किया अपने केसेस को ट्रेस करके, टेस्ट करके उनको आइसोलेट करने में। लास्ट स्टेज आती है ट्रीटमेंट। देखिए, कोविड-19 का एज एन सच कोई ट्रीटमेंट है नहीं, हम लोग बहुत सारे मिक्सचर एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कोई इलाज बताने नहीं आया हूँ। जस्ट ट्रीटमेंट का थर्ड स्टेज था, हमने कॉन्टैक्ट को ट्रेस करा, टेस्ट करा, इफ़ वी फाइंड हिम पॉजिटिव तो उसकी कॉन्टैक्ट, सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जितने भी बंदे थे उनको हम लोग आइसोलेशन में लेके आएंगे। 80% लोग तो हैं जो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स से हैं, तो उनको घर पे ही इलाज करा गया, सो दैट कि जो हॉस्पिटल बेड्स हैं उनको वेकेट करा जाए उन लोगों के लिए जो ज़्यादा क्रिटिकल केयर, जिन जिन लोगों को ज़रूरत है। ये भी एक कारण है कि मॉर्टलिटी रेट जो साउथ कोरिया का है वो बहुत कम रहा इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो उन्होंने जो लोग माइल्ड सिम्टम्स वाले थे उनको घर पर ही रखा, और मेडिकल टीम्स, इवन इवन रोबोट्स, टेलीमेडिसिन के थ्रू उन लोगों का इलाज किया और वो रिकवर करके, और बाकी जो इंटेंसिव केयर वाले लोग थे उनको वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करवाए गए। इसलिए इनका इनका जो ट्रीटमेंट था वो काफी फास्ट था, आइसोलेशन फैसिलिटीज के जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो इन दिस वीडियो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि किस तरीके से ये TTT फॉर्मूला साउथ कोरिया, इसके बाद इस फॉर्मूला को और कंट्रीज जस्ट लाइक सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, इन कंट्रीज ने, ताइवान हो गया, इन कंट्रीज ने भी एक्सटेंसिवली फॉलो किया, और वहाँ पे भी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं।
अब द लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या कोरियन मॉडल ट्रांसफरेबल है, क्या इंडिया या कोई और कंट्री इसको ठीक कर सकती है? तो देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात, एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसका है नहीं। जो भी इक्विपमेंट्स नॉर्थ साउथ कोरिया ने यूज़ करे यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। अब उनके पास कैपेबिलिटी भी है तो वो गवर्नमेंट्स, अदर गवर्नमेंट्स उनसे कॉन्टैक्ट करके टेस्टिंग किट्स ले सकती हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू शिप इट आउट। दूसरी बात है, ऐसी कंट्रीज जिनमें नॉर्थ साउथ कोरिया का जो रेस्पॉन्स रेट था, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने 2015 में ऐसे हालात देखे थे तो उनका रेस्पॉन्स रेट बहुत फास्ट रहा। ऐसी कंट्रीज जिन्होंने रेस्पॉन्स बहुत लेट करा, जस्ट लाइक ईरान इज इटली, तो वो शायद इस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर सकते जब कम्युनिटी स्प्रेड बहुत फास्ट हो गया। बट स्टिल जो टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर, बिग डेटा एनालिसिस इज देयर, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज ने साउथ कोरिया को बहुत ज़्यादा हेल्प किया और वहाँ से जो ब्रेक थ्रू निकला, न्यू टेस्टिंग किट्स इन लोगों ने बनाई, उनका भी अपना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। भारत जैसा देश, हमें भी अनटिल अनलेस हमें भी अपने सस्पेक्टेड केसेस को टेस्ट करना होगा, ट्रैक करना होगा, और आई होप कि हमारी सरकार ये सब कुछ प्लान कर रही है और चीज़ें बहुत जल्दी वापस अपने ट्रैक पर आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे होम, ध्यान रखिए अपना।